बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं संविधान के 127वें संशोधन विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज माननीय मंत्री जी ने इसको 105वां संशोधन का के बारे में भी प्रस्ताव दिया, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ। इस संविधान संशोधन विधेयक की शुरुआत में हमारे कांग्रेस के संसदीय दल के नेता ने 3 बार कहा कि कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है। मैं आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन तभी उन्होंने सुधारा भी कि 1930 की वो बात कर रहे थे कि 1930 में कैसे उन्होंने अधिकार दिया था, क्योंकि किसी भी निर्वाचित सांसद के लिए संविधान संशोधन विधेयक जब लोकसभा में आए उससे प्रमुख दिन तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनगर में आज छुट्टियां मना रहे हों और यहाँ पे कोई कहे कि जिम्मेदार पार्टी है तो थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है हम लोगों को। हम लोग कन्फ्यूज ही रहते हैं हम लोग भी। अब उसी तरह बाबा साहब आम्बेडकर की बात कर रहे थे। अब बाबा साहब आम्बेडकर को लोकसभा चुनावों में किस दल ने किस तरह से हराने का काम किया, क्या इसका किसी से छुपा हुआ है क्या? इन लोगों ने, चूंकि ये 1930 की बात कर रहे थे कांग्रेस की, तो मैं एक्सेप्ट करता हूं, क्योंकि आज़ादी के समय महात्मा गांधी जी के कहने पर ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उद्योग मंत्री बनाया गया था। लेकिन जब देश के बारे में दो विधान की बात हुई तो उसको सही करने में 70 साल, एक जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है तब वह होता है, यह भारतीय जनता पार्टी की का काम है। उसी तरह से एक बुजुर्ग महिला को, जो 70 साल की बुजुर्ग महिला अगर गुजारा भत्ता मांगती है तो उसको देने के लिए एक यहाँ पे कानून लाया जाता है, और जब 3 तलाक के कानून को खत्म करके सभी महिलाओं को समान अधिकार देने का काम किया तो वह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। जिन लोगों ने कालेलकर समिति की रिपोर्ट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, सभी रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंकने का काम किया, छुपा के रखा कि कहीं पीड़ितों को, पिछड़ों को अधिकार नहीं मिल जाए, वह लोग आज जिस तरह की बातें करते हैं तो जरूर आश्चर्य लगता है। और इसलिए कोई कन्फ्यूज होना कि मैं समर्थन करता हूँ, मैं विरोध करता हूँ, अभी हम लोग सुन ही रहे थे, तो यह लाजमी है, क्योंकि सही स्थिति तो कुछ और ही होती है। जिन लोगों ने आज राज्य के अधिकारों की बात कर रहे हैं, हमने राज्यों को 42% वित्तीय हिस्सेदारी दी, इनके समय में 32% वित्तीय हिस्सेदारी रहती थी, तो हम राज्यों के फेडरलिज्म के प्रति कितने संवेदनशील हैं, यह हमारा स्वभाव भी है और यह हमारी परंपरा भी है। अगर इस 102वें संशोधन की नौबत आई तो वह केवल इसलिए आई क्योंकि इतने दिनों तक हमारे यहाँ पिछड़ों को संवैधानिक दर्जा के साथ वो अपने अधिकार को प्राप्त कर सके वो नहीं कर पा रहे थे, और उसी के कारण 102वां संशोधन रखा गया। हम इंटरवेन भी किए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको नहीं मानेंगे, तो उसके कारण 45 दिनों के भीतर संवैधानिक संशोधन इस लोकसभा में ला करके यह बताने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि हम किसी भी राज्य के अधिकार को रोक नहीं सकते, न किसी पिछड़ों के, दलितों के, शोषितों के, वंचित के अधिकार को। जब भी कोई संकट आएगा तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी खड़ा होकर के उसके अधिकार को दिलाने का काम करेंगे, यह हमारे स्वभाव में है। आज अगर आप इसको देखिए तो इस पूरे विधेयक में 342A के खंड 1 और 2 में हम लोगों ने संशोधन की मांग की है, क्योंकि हम चाहते हैं राज्यों के अधिकार रहे। और इसके 342A(3) में भी कहा गया है कि खंड 1-2 के कुछ भी शामिल होने के बावजूद प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कानून द्वारा अपने उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की एक सूची बना सकता है और यह केंद्रीय सूची से अलग होगी। अर्थात किसी भी राज्य में कोई भी, अगर वहाँ की सरकार निर्णय करती है कि यह छूटा हुआ है, यह पिछड़ा समाज है, यह शोषित समाज है, यह वंचित समाज है, तो उसको अधिकार देने के, सभी राज्यों को फ्री करने का काम यह आज का यह संविधान संशोधन कर रहा है। और मुझको यह बहुत ही खुशी हो रही है कि इससे हम जिन लोगों के कारण सत्ता में आए हैं उन सभी को हम सम्मान देंगे। हम सबों ने लगातार, आज अगर नीट पीजी की बात करें, सिंगल पॉइंट रोस्टर की बात करें, जहां भी हमारे छात्रों के रिजर्वेशन की बात करें, सभी जगह पर
हम एक दायित्वपूर्ण सरकार देते हुए पिछड़ों का भी हक दे रहे हैं और उसके साथ ही जो हमारे सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे जो कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं उनको भी अगर समान अधिकार दिलाने का काम किया है तो वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने EWS आरक्षण का 10% देने का काम किया हुआ। मुझको एक बात की और खुशी हो रही है, अभी एक नेताजी बार बार जो कंफ्यूज कर रही थी वह कोविड की बात कर रही थी। हम लोग लगातार 20 दिनों से कह रहे हैं कि आइए कोविड पे चर्चा कीजिए, कोविड पे क्या क्या चर्चा करनी है, लेकिन ये जानते हैं कि हम कोविड पे चर्चा करेंगे तो हर जगह हम गलत ढंग से पकड़े जाएंगे, इसीलिए कोविड का चर्चा नहीं किया करने दिया जा रहा था। और अभी कहा जा रहा है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि कोविड की बात क्यों नहीं होती है। उसी तरह से अभी ये कंफ्यूज है कि किसान आंदोलन में की बात करके 20 दिन लोकसभा नहीं चला जाता, फिर भी ये कंफ्यूज है। इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि अगर यहाँ पर माननीय कृषि मंत्री स्वयं खड़े होकर के बोलते हैं कि बताइए इस कृषि कानून में क्या गलत है, कोई गलती नहीं बता पाते हैं और उसके कारण अभी 20 दिनों से सदन नहीं चल रहे हैं, चला रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि हम कंफ्यूज हैं। इसलिए कंफ्यूज है कि आप जानते हैं कि अगर आपने किसानों की यहाँ चर्चा कर ली होती तो आपको शर्मिंदा होकर के यहाँ से हट जाना पड़ता, इसीलिए आप कंफ्यूज हैं। तो ये सब अच्छी बात है कि इस तरह के चीज़ों को आप कंफ्यूज कर करके नहीं भाग लीजिए, लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मंत्री वीरेंद्र जी का और सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि पिछड़ों के जो अधिकार हैं और पिछड़ों के अधिकार में जो राज्यों के अधिकार हैं, एक साथ दोनों अधिकार दिलाने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारी सरकार बहुत ही संवेदनशील सरकार है और यह बताता है कि 45 दिनों के भीतर हमने संविधान संशोधन लाके कर दिया। इसलिए हम अपने सब गरीब, वंचित, पिछड़े, दलित सभी के लिए संवेदनशील हैं। हमारा एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इसीलिए मैं इस संविधान संशोधन का पूर्ण समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।